के फूकने के लिए चारों तरफ नकारात्मक वातावरण बना रखा है। आप जिम जाते हैं, लोग आपको फिटनेस के लिए रोज कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए आपको कोरोना नहीं होगा, ये एक मिथ्या है। सिलेंडर कम पड़ गए भाई। आप ये बात है ना कि लोगों ने कितने काढ़ों के बारे में बता रखा था कि सर आप देखिए ना, जिसको कोरोना नहीं हुआ ना वो किसी ना किसी काढ़े को अदरक को, लहसुन को या लौंग को, और कुछ नहीं तो किसी चीज को क्रेडिट दे रहा है। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर दो सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है भर मरते ऐसे। अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े, चलो भर लो, तुम्हारी किसी के भी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो मुझे बता देना। इस हॉस्पिटल में हूँ फूकने के लिए, चारों तरफ नकारात्मक वातावरण बना रखा है, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े, चलो भर लो तुम्हारी। यस, मैं नेगेटिव तो हो गया हूं बट अभी मुझे वीकनेस काफी है, सांस जो है मेरे जो फेफड़ों की जो पूरी क्षमता है वो उस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है डॉक्टर्स कह रहे हैं धीरे धीरे जो है वो क्षमता बढ़ेगी, तो अभी अगर मैं स्टेयर्स उतरता हूँ या स्टेयर्स चढ़ता हूँ तो मेरा सांस फूल जाता है और ऑक्सीजन ऐसा लगता है कि कम हुई बॉडी में, धीरे धीरे डॉक्टर्स कह रहे हैं रिकवरी में थोड़ा समय लगेगा। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर दो सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है भर मरते ऐसे। अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े, चलो भर लो तुम्हारी किसी के भी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो मुझे बता देना। सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ इस तरीके की चीजें ना करें, बहुत सारे लोग इस ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हैं। ये मैसेज सिर्फ इसलिए किया कि यार ये लड़ाई बहुत बड़ी है और सिचुएशन बहुत खराब है, ये वक्त जो है ना ये इस चीज का नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं दे रही है। ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े, चलो भर लो तुम्हारी किसी के भी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो मुझे बता देना। ज्यादा डर नहीं था कि कोरोना हो जाएगा तो ऐसा लगता था कि हो जाए तो ठीक है, एक बार अपना ठीक हो जाएंगे तो कम से कम दोबारा नहीं होगा, तो थोड़ा और इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, बट जिस तरीके से अनप्रिडिक्टेबल डिजीज है ना, यही इसकी सबसे जो है ना खतरनाक एस्पेक्ट है कि ये अनप्रिडिक्टेबल है, आप नहीं बता सकते कि ये आपके शरीर में कहां तक जाएगा और आपको ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर दो सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है भर मरते ऐसे। अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है। ये आपकी फिटनेस का, आपकी फिजिकल फिटनेस का और आपको कोरोना कुछ नहीं करेगा, इनके बीच में हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो भाई। आप ये बात है ना कि लोगों ने कितने काढ़ों के बारे में बता रखा था कि सर आप देखिए ना, जिसको कोरोना नहीं हुआ ना वो किसी ना किसी काढ़े को अदरक को, लहसुन को या लौंग को, और कुछ नहीं तो किसी चीज को क्रेडिट दे रहा है वो, ये उसको ये नहीं समझ में आ रहा, ये सिर्फ एक चांस है कि तुम्हें नहीं हुआ, बाकी कुछ नहीं है। फूकने के लिए चारों तरफ नकारात्मक वातावरण बना रखा है। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर दो सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है भर मरते ऐसे। अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े, चलो भर लो तुम्हारी किसी के भी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो मुझे बता दे। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हल्के न्यूज़।